नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। F-16 के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से मांगा पैसा। शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों द्वारा पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए अपने करदाताओं के धन के इस्तेमाल पर रोक लगा दिए जाने के मद्देनजर ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को ये विमान खरीदने के लिए अपना राष्ट्रीय कोष पेश करने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि कांग्रेस ने बिक्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन महत्वपूर्ण सदस्यों ने यह स्पष्ट किया है कि वे इसके समर्थन के लिए विदेशी सैन्य वित्त पोषण के इस्तेमाल पर आपत्ति करते हैं। कांग्रेस की आपत्तियों के मद्देनजर हमने पाकिस्तानियों से कहा है कि उन्हें इसके लिए अपने राष्ट्रीय कोष को पेश करना चाहिए। हालांकि किर्बी ने यह नहीं बताया कि यह निर्णय कब लिया गया और इसके बारे में पाकिस्तान को कब बताया गया। भारत चीन से नहीं, अयोग्य अमेरिकी नेताओं से नाराज है ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी नाराजगी भारत, चीन, जापान या वियतनाम से नहीं बल्कि अक्षम अमेरिकी नेतृत्व से है। ट्रंप का आरोप है कि भारत, चीन, जापान और वियतनाम जैसे देश अमेरिका से नौकरियां छीन रहे हैं। ट्रंप ने एक प्रचार रैली में कहा कि मैं चीन से नाराज नहीं हूं, मैं मैक्सिको से नाराज नहीं हूं, मैं भारत या वियतनाम से नाराज नहीं हूं जो हमसे काफी अवसर छीन रहे हैं। इंडियाना में आज अहम रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव होने हैं। चुनाव पूर्व ताजा सर्वेक्षण दिखाते हैं कि ट्रंप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज से 15 अंक आगे हैं और यदि उन्हें यहां जीत मिलती है तो पार्टी उम्मीदवार बनने की उनकी संभावनाएं और पुख्ता हो जाएंगी। विजय माल्या ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा। विभिन्न बैंकों के 9000 करोड़ के कर्ज में उलझे हुए शराब कारोबारी विजय माल्या ने लंदन से पत्र लिखकर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। बैंकों के करोड़ों रुपए डकारने का आरोप लगने के बाद माल्या लंदन चले गए थे। उन्होंने वहीं से राज्यसभा के चेयरमैन को इस्तीफा भेजा है। माल्या ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि हाल ही के घटनाक्रमों से ये बात सामने आई है कि मुझे निष्पक्ष सुनवाई या न्याय नहीं मिलेगा। राज्यसभा ने पिछले सोमवार को ही सख्ती दिखाते हुए माल्या की सदस्यता रद्द करने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए उन्हें एक सप्ताह का नोटिस भेजा गया था।